यहाँ से हम चाहे तो वोकल को भी अलग से निकाल सकते हैं और यहाँ से हम इसका बीट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से वोकल सिर्फ लेना हो तो सिर्फ वोकल ले सकते हैं, वोकल रिमूव करना हो तो वोकल रिमूव कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया है और अच्छा वर्क भी करता है। तो वोकल सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको म्यूजिक बिल्कुल गया ही कर देगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, म्यूजिक एकदम बिल्कुल गायब कर देता हूँ, थोड़ा बहुत रह जाता बता जाता है, म्यूजिक खत्म। और वोकल रिमूव करने के बाद वोकल को रिमूव कर देता हूँ, रानी प्यार समाज से लिया जुमा का गाड़ी भाग के दिया। देखिए कितना चेंजिंग मिला। अब इसे इसके फोल्डर में मिल जाएगा ये, यहाँ से हम इसको कट करके क्यूबेस में पेस्ट कर देंगे, क्यूबेस के ऑडियो फाइल में पेस्ट कर देंगे। अब क्वालिटी दब जाती है जैसे रिमूव करने के बाद, वोकल रिमूव करने के बाद म्यूजिक की भी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो उससे सही करने के लिए ना चलिए उसे सही करने के लिए क्यूबेस में चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे ना मैं नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। नया प्रोजेक्ट लेने के बाद मैं उसे ना यहाँ पे आपको ऑडियो में मिल जाएगा वो। मैं पहले ट्रैक ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। इसे हम इस पे ले लेते हैं, आ गए। डायरेक्ट यूज करने पे उतना मज़ा नहीं देगा, इसमें इसको इफेक्ट लगा के इसको सही करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस अच्छा आता नहीं है। इक्वलाइजर सही करने के बाद ना यहाँ से इक्वलाइजर जब सही हो जाए ना तो उसके बाद मास्टरिंग करके जो टूल दिया हुआ है उससे हम लोग थोड़ा इसकी क्वालिटी चेंज करेंगे। इसकी क्वालिटी वहाँ से बहुत अच्छी चेंज हो जाती है। जैसे देखिए ये जो इफेक्ट है ना मास्टर स्ट्रिप करके, ये बहुत अच्छा टूल है इसमें थोड़ा सेटिंग करने का और अच्छे से निखर जाता है सेटिंग करने के बाद। एक्चुअल में ये बहुत अच्छा दे रखा है, नया टूल ऐड हुआ था ये तो। इसका देखेंगे तो इसका मतलब क्यूबेस ने खुद शायद ऐड भी दिया था, ये हमने ऐड किया है, वीडियो भी आई थी इसके ऊपर। तो ये टूल बहुत वाकई में बहुत अच्छा है। तो ये इसमें आप अपने चेंज कर लेंगे अच्छे से देख करके। फिर उसके बाद यहाँ से जब चेंज हो जाएगा तो फिर भी ऑडियो क्वालिटी दब जाती है तो हम थोड़ा सा कंप्रेसर लगाएंगे ताकि थोड़ा इधर उधर जो फ्रिक्वेंसी वो सही हो जाए। तो उसके लिए कंप्रेसर लगा देंगे हम लोग। कंप्रेसर लगाने के बाद दो तीन टोन का यूज बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, एक कंप्रेसर का, एक वो मास्टरिंग का और एक आपका इक्वलाइजर का। ये दो तीन चीज़ें जो हर जगह यूज होती हैं, हर चीज़ में यूज होनी होगी। जब वोकल में भी मिक्स करना हो तो भी, फिर उसके बाद आपको रिदम बनाना हो तो भी, मतलब
हर जगह ये तीनों यूज होने वाले हैं, ये बेसिकली यूज होते ही होते हैं, बहुत काम वाले ये तीनों हैं, तो उसी पे काम होता है। कितने काम करते हैं प्रीसेट आप खुद चेक कर सकते हैं, प्रीसेट बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट हैं, ऑलरेडी कंपनी ने दे रखा है, तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो हम मैनुअल सेट कर भी करके भी यूज कर सकते हैं। हम इसे डबल ट्रैक करेंगे, डबल ट्रैक करने के बाद थोड़ी और अच्छी लगेगी, तो डबल ट्रैक कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तो डबल के जगह पे तीन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छी लगनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कहीं आवाज़ फटनी नहीं चाहिए, म्यूजिक फटनी नहीं चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद ये देखिए, डबल करने के बाद इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।